बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। धन्यवाद परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज। आज मैं दो बिंदुओं पर कुछ विचार रखूंगा। प्रथम समाज और दूसरा एकांत। साधक के लिए समाज का क्या महत्व है और एकांत का क्या महत्व है, इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा। हम सभी जानते हैं कि जब कोई साधक सर्वप्रथम गृह त्याग करता है तो उसके मन में बड़ी उलझने रहती हैं। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कहाँ से हमें वो ज्ञान मिलेगा, कहाँ हमारा कल्याण होगा। मन में ये चिंतन चलता है, फिर विचार करते करते थोड़ा परिपक्व होता है तो निकल पड़ता है। कहीं किसी से सुना होता है कि वहाँ के गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उनका नाम सुना है, तो वहाँ चला जाता है। जहाँ उसको अच्छा लगता है वो वहाँ जाता है। कितने साधक हैं बड़े समाज से जुड़ जाते हैं, तो कितने साधक हैं कि समाज से नहीं जुड़ पाते लेकिन कोई उनके घर में आते जाते हुए संत उनको अपना लेते हैं, वो उन्हीं के साथ हो जाते हैं। बहुत संत आते जाते हैं और अपने साथ उसको शिष्य बना लेते हैं, स्वयं भी भ्रमण करते हैं, उन्हें भी भ्रमण कराते हैं। उनकी साधना अपने ढंग की होती है। लेकिन जब कोई साधक बड़े समाज से जुड़ता है, जैसे ये अपना समाज है और भी हर संप्रदाय में अच्छे समाज हैं, वहाँ जब जुड़ जाता है तो उसकी रहनी में और जो अकेले संत गुरु के साथ घूमता है उसकी रहनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर हम किसी अच्छे समाज से जुड़ते हैं तो हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारा आचरण, वो सब कुछ उस समाज पर डिपेंड करता है कि वो समाज कैसा है। समाज अच्छा है तो हमारे विचार, हमारे आचार, हमारा व्यवहार सब कुछ बढ़िया होता है। और इसीलिए समाज का महत्व है। समाज से लाभ क्या है? समाज से बहुत लाभ है। अगर हम सर्वप्रथम गृह त्याग करके इस समाज में आ गए हैं, पहला लाभ तो ये रहता है कि हमारी चिंता खत्म हो जाती है। भोजन कहाँ से मिलेगा, कपड़ा कहाँ से मिलेगा, हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ऐसा ज्ञान भी सब जगह कहाँ मिलता है। सब संत जन इस तरह का ज्ञान उपदेश भी तो नहीं कर पाते। किसी किसी संत से आप मिलें, बड़े काफ़ी दिनों से वो संत हैं, साधना कर रहे हैं। मैं तो जब पूछता हूँ कि महाराज जी कुछ आत्मज्ञान के बारे में बताएं, तो अरे महाराज कुछ नहीं, बस प्रभु का नाम लो सब बेड़ा पार, 25 साल 30 साल हो गए। तो बोध नहीं होता है साधक को, साधक भी अधकचरा बना घूमता रहता है। लेकिन जब ऐसे समाज से जुड़ता है तो यहाँ उसको आत्मज्ञान का बोध होता है, आत्मज्ञान की जानकारी होती है। और व्यवहार समाज में कैसे जीना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये कुल हमारे पहले की बातें हैं। अगर इन ये बातें हमारे जीवन में नहीं हैं तो हमारा ज्ञान कितना भी बढ़ जाए वो सक्सेस नहीं होता है। इसीलिए कुछ संत जो समाज से नहीं जुड़ते हैं, समाज से नहीं जुड़ते हैं, कहीं एकांकी गुरु मिले, उनसे कुछ ज्ञान मिल गया और स्वयं साधना करने लगे, थोड़ी साधना करते हैं बस, उनको मान प्रतिष्ठा मिलने लगती है समाज से, वो विचरण करने लगते हैं। अब विचरण तो करते हैं, लेकिन विचरण करते करते अब मान प्रतिष्ठा मिलती है तो फिर उनको व्यवहार की बात नहीं रह जाती, क्योंकि वो किसी समाज में रहे नहीं हैं। भक्त समाज में जाओगे तो मान सम्मान करते हैं, खिलाते पिलाते हैं,
लेकिन जब वो संत ऐसे समाज में आ जाते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है जीने में। यहाँ बहुत साधु आ जाते हैं, उस तरह के जब साधु आ जाते हैं तो यहाँ की रहनी देखते हैं, कपड़े साफ़ सुथरा, बैठने की जगह साफ़ सुथरी, सबके आसन साफ़ सुथरे, उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि महाराज जी इस तरह तो करना बड़ा दिक्कत लगेगा हमको। लेकिन दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे समाज से जुड़े हैं तो वो हमारे जीवन में घुल चुका है। इसलिए यहाँ कोई भी साधक गंदा रहना पसंद नहीं करेगा, कपड़ा गंदा तुरंत धोएगा। लेकिन दूसरे हैं घूमते रहते हैं हफ्तों महीनों, कहीं धुलने को मिला तो धोए और नहीं तो पानी की कमी है तो उसी कपड़े को लपेटे रहते हैं। तो वो व्यवहार और इस व्यवहार में बड़ा अंतर है। इसलिए नए साधक के लिए समाज से बहुत बड़ा लाभ है, और जो ऐसे समाज में आ जाता है तो दूसरी और लाभ क्या होते हैं, दूसरे लाभ ये होते हैं कि जो हमारे मोटे मोटे दुर्गुण दुराचार हैं ये मिट जाते हैं। झूठ बोलना है, और भी कितने लोग रहते हैं, अब मैं अपना उदाहरण दूं, नशा पत्ती भी करते हैं, बीड़ी सिगरेट इधर उधर, लेकिन जब ऐसे समाज में आते हैं तो फिर वो सब छूट जाता है। उस दिन गुरुदेव जी कह रहे थे ना, सुबह पढ़ा रहे थे कि कोई व्यक्ति है पहले बीड़ी के बिना नहीं रह पाता है, बीड़ी के लिए छटपटाता है, भागता है, एक टाइम वो भोजन नहीं मांग सकता किसी से, क्योंकि वो छोटा हो जाएगा भोजन मांग लेगा तो, लेकिन जब तलब लगे तो सारी छोटाई बड़ाई खत्म, बीड़ी जरूर मांगेगा। लेकिन वही व्यक्ति जब ऐसे समाज से जुड़ जाता है और इन चीज़ों से दूर हो जाता है तो उसकी गंध भी अच्छी नहीं लगती। कोई बीड़ी पीने वाला बगल से निकलता है ना तो उसको कहना पड़ता है कि अरे भैया आगे जाके पियो भाई, इधर अच्छा नहीं लगता। ट्रेन में या बस में कोई पीने लगता है तब भी मना करना पड़ता है, लेकिन जब स्वयं पीते रहो तब क्या आनंद आता है। तो ऐसे समाज से जब हम जुड़ जाते हैं तो ये मोटे मोटे जो हमारे दोष हैं ये सरलता से छूट जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जब ऐसे समाज में रहते हैं तो हमारे काम क्रोध लोभ मोह इन पर भी धीरे धीरे साधक विजय प्राप्त करता है। और इसी के लिए समाज में हम आते हैं, समाज में सहना भी पड़ता है। समाज है, सबकी मानसिकता अलग अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सबके संस्कार अलग हैं, सबको एक डंडे से नहीं हाँका जा सकता है। किसी को प्यार से समझाओ समझ जाता है, किसी को डांटना पड़ता है, किसी को कैसे, लेकिन फिर भी समाज चलता है। यहाँ पर भय रहता है, क्योंकि जो हमारे बड़े लोग हैं हमको थोड़ा भय रहता है, भाई हमारी गलती देखेंगे, हमको टोकेंगे। लेकिन जो स्वतंत्र घूमता है उसको कौन कहने वाला है, गृहस्थ थोड़ी टोंकता है। गृहस्थ के यहाँ आप जैसे भी रहो, लेकिन जब ज़्यादा हद कर दो तो आज के तो गृहस्थ भी बड़े बुद्धिमान हैं और समझदार हैं, गृहस्थ के यहाँ आप ज़्यादा इधर उधर की बात करो तो घर के लोग टोंक देते हैं, क्या महाराज जी आप ऐसी बातें करते हैं, आप साधक हैं साधु हैं, तो फिर मन शर्म से झुक जाता है। इसलिए समाज में रह के पहले हमको अपने आप को खूब गढ़ना छीलना चाहिए, और गढ़ छील के जब इस समाज में हमारा मन परपक्व हो जाता है तब एकांत की जरूरत पड़ती है। समाज में रहते हैं, समाज में जीवन बीत जाता है, लेकिन क्या वो समाधिस्थ हो पाए हैं। मैं पुराने संतों से पूछ लेता हूँ कि साहेब जी आपको इस संस्था में आए या यहाँ से जुड़े बहुत दिन हो गए साधना करते, क्या आपका मन पूरा शांत रहता है एकांत में। अरे बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, आखिर इस समाज में रह के हम नहीं कर पा रहे हैं तब कहाँ करेंगे। तो इसके लिए एकांत की जरूरत है। एकांत दो तरह से होता है, एक एकांत होता है कि हम इस आश्रम में रह के ही किसी कमरे में अपने रूम में हैं, अकेले हैं, लेकिन फिर भी समाज में रहते हैं तो समाज का तो कुछ डरदाप बना रहता है, उतना एकांत कहाँ मिल पाता है। एकांत तो जब होता है एक का अंत, वहाँ कोई दूसरा ना हो, और ऐसा एकांत जहाँ आसपास कोई घर मकान ना हो, थोड़ी दूर पर गांव से बाहर या किसी बाग बगीचे में कुटिया हो, वहाँ कोई ना रहता हो, आप अकेले रहें। अकेले रहना साधक के लिए बहुत बड़ी बात है, और साधक का प्रयास भी होना चाहिए समय समय से एकांत में रहे, लेकिन जब पूर्ण परपक्व अवस्था आए तब।
पूर्ण परपक्व अवस्था आए तब। अगर हम अधकचरे हैं और एकांत में गए तो हमारे पूरा पतन का भय रहता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि जो हमें समाज से सहने की क्षमता मिलती है वो एकांत में कहाँ मिलती है। एकांत में है, आपकी सुविधा है, रूम बना है, कुटिया बनी, जो कुछ भी है, भोजन पानी मिलता है, यानी सर्व सुविधा है आपके पास, तो आपको क्या सहना है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन एकांत में जितना साधक को सहना पड़ता है उतना समाज में नहीं सहना पड़ता। आप एकांत में हैं, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, जरूरी है कि सब लोग आपको माने, सब लोग तो नहीं मानते हैं। उसमें से दो चार आपकी प्रशंसा करते हैं तो दो चार लोग गाली देने वाले भी होते हैं, और ये अभी की बात नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों का इतिहास देख सकते हैं आप, जिनको लोग भगवान की तरह पूजा करते थे उन्हीं के कान में कीलें ठोंक दी गई, जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजा करते थे उन्हीं को लोग गालियाँ देते थे। क्यों? सहना नहीं पड़ता, सहना पड़ता है। लेकिन एकांत में जब हम रहते हैं वहाँ कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसको सहने में हम सक्षम होते हैं, वो उतना नहीं खलता है। लेकिन अपने ही घर परिवार का व्यक्ति कुछ बोलता है वो असहन हो जाता है। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज का व्यक्ति आपको कुछ कहे, मान लो गुरुजी कुछ कह दें, डांट डपट दें जोर से, या हमारे साथी कुछ कह दें, वो बात बहुत लगती है, सबका अनुभव होगा। लेकिन यही बात हम रोड पर चले जा रहे हों और कोई व्यक्ति हमको गाली दे दे तो आप मुस्कुरा के चले जाओगे, अज्ञानी है। इसी प्रकार आप एकांत में रहें और एकांत में रहें और कोई कुछ कहता है तो आपको विशेष चोट नहीं लगती है। मैं एकांत में बहुत रहा हूँ, लगभग 10 वर्ष, 5 साल तो ऐसे एकांत में रहा हूँ कि जहाँ केवल लोग भोजन ले आते थे बस, मिलने के लिए लोग कभी कभी दो दो महीना बीत जाते तो कोई मेरे पास नहीं आता था। ठंडी के समय में कोहरा पड़ता, कौन आता, भोजन वाले भोजन रख के प्रणाम करके चले जाते, दो दो महीना मुझसे बात करने वाला कोई नहीं रहता था। अगर साधक परपक्व नहीं है तो एकांत में परेशान हो जाएगा, एक हफ्ते के लिए आपको बंद कर दिया जाए, परेशान हो जाएंगे। कितने लोग तो हैं साधना करते करते काफ़ी समय बीत गया है लेकिन वो एक महीना एकांत में नहीं रह सकते, उनका मन बेचैन होगा, परेशान करेगा, उनको कुछ काम चाहिए, कुछ बोलने को चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन जो परपक्व हो जाता है वो एकांत का जो सुख है, जो आनंद है, वो और कहीं नहीं है। बस जीने का ढंग आ जाए बस एकांत में। एकांत में सहना भी खूब पड़ता है लेकिन उसका अपना आनंद भी है। मैं जिस कुटी पर था, सुबह का समय निकला, कमंडल लिया, शौच के लिए बाहर जाता था, एक नहर का पुल था, उस पुल के उस पार जाता था। सुबह सुबह का समय गांव का एक ठाकुर शराब पिए, सुबह सुबह पिया था झंझटी, आ गया और बस मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। हे बाबा सुनो, क्या बात है, यहाँ आपने पूजा बंद करा दिया है, यहाँ प्रसाद चढ़ाना बंद कर दिया है। तो मैंने उससे कहा, देखो भैया अभी मैं ढोल डाल जा रहा हूँ, 8 बजे मिलना, जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो 8 बजे आना। वो मनभय न करे, हमरे पीछे पीछे चलाए। आगे थोड़ा गए तो एक व्यक्ति और बैठे थे, उनको कक्कू कहते थे, वो भी ठाकुर थे, तो उसको डांटे, कहे राजेंद्र अरे महाराज जी को ढोल डाल कर ले दो तब बाद में पूछना। वो रुक गया, मैं चला गया सीधा बाग में, वहाँ से ढोल डाल करके जब आया तो ये बैठा था कि बाबा आएंगे तो फिर बात करूँगा। मैं उससे कुछ बोलना नहीं चाहता, सुबह का समय है, अभी कुछ बोलूँगा ये पिया है, कुछ और बोलेगा बात बढ़ेगी। मैं चुपचाप गया, मेरे पीछे पीछे मेरी कुटी तक गया और वहाँ गया, मैं नल में हाथ पैर धोया, चुपचाप दरवाज़ा खोला, अंदर गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। अब ये लगा गाली देने, माँ बहन जो कुछ था सब गाली दिया। मैं चुपचाप अंदर बैठा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। वहाँ से वह व्यक्ति जब बाहर गांव के भीतर गया, जैसे ही गांव के अंदर घुसा वैसे लोग उसको घेर लिए, और घेर लिए तो खूब गालियाँ दिए। वो लोग गांव वाले कहे, तुम बाबा क्या सेवा करते हो, बाबा गाली क्यों दियो, तुम बाबा को भोजन देते हो, मतलब इतना कुछ डांटे उसको, और कहे ज़्यादा करोगे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम ठाकुर होगे तो अपने घर क्यों होगे। जो लोग मेरे श्रद्धालु थे,
अच्छा मैं तो ये बात वहाँ नहीं सुना था भाई कुटी में, बाद में लोग आए और सब बताए कि राजेंद्र को आज गांव वालों ने खूब हड़काया। तो मेरे मन में आया कि देखिए अगर साधक शांत हो तो आपकी रक्षा करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, चाहे समाज हो चाहे रोड पर हो। बाजार में आपको कोई गाली दे आप चुप रहें, ज़्यादा कोई गाली देगा तो कोई ना कोई सज्जन खड़ा हो जाएगा, क्यों यार साधु के पीछे पड़े हो, तुम्हारा क्या हान करता है। इसलिए साधक अगर शांत है एकांत में तो उसका बाल बांका नहीं होता है। धीरे धीरे समाज में रहते हुए अपने मन को देखना है, और मन की जब परिपक्व अवस्था आती है तब हमें एकांत की जरूरत होती है। अब एकांत का सबसे बड़ा भय ये होता है कि एकांत में पतन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कहा भी जाता है, संतजन भी कहते हैं ठीक है हो जाता है। क्या समाज में रह के पतन नहीं होता है? कितने साधु समाज में रह के उनका पतन हो गया है, क्या कर लिया समाज ने? समाज कुछ नहीं करता है, करता तो हमारा मन है। यह हमारे मन पर डिपेंड करता है कि हम समाज में रहते हैं तो मन कहाँ रहता है, एकांत में रहते हैं तो मन कहाँ रहता है। एकांत और समाज कुछ नहीं करता है, जो कुछ करता है हमारा मन करता है। समाज में रहते हुए भी मन हमारा बहिर्मुख है, अभी भी भोग भोग के लिए मन में इच्छा है, वासनाएं अभी भी जन्म ले रही हैं, तो निश्चित हमारा पतन होगा। फिर ना गुरु जी कुछ कर पाएंगे ना ये समाज कर पाएगा। और एकांत में हम रह रहे हैं, हम मन पर सवार हैं, मन को पूर्ण रूप से देखते हैं और साधना करते हैं और वैराग से रहते हैं, तो वहाँ भी कोई पतन का भय नहीं है। ये तो अपने मन पर डिपेंड करता है। और सच कहूँ तो जिनको भी आत्मज्ञान का लाभ हुआ है उनको एकांत में ही हुआ है। पहले उन्होंने सद्गुरु की सेवा किया, साधना किया, और फिर समाज से चुपचाप हट गए, और हटने के बाद ऐसी जगह चले गए, बुद्ध को आप जानते हैं पहले कहाँ कहाँ गए, क्या क्या नहीं किए भटके, लेकिन बाद में एकांत में गए और उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और भी कितने संत हुए जो एकांत में, भर्तृहरि, गोपीचंद, और भी कितने संतों को बताऊं। और जिनका पतन होना है वो चाहे समाज में रहें चाहे एकांत में रहें, उनका होना ही होना है। बस हमें सावधान रहना है। मैं एक संस्मरण सुनाऊं और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारी जन्मभूमि, मैं छोटा था उस समय, हमारे गाँव में बहुत मंदिर हैं, कम से कम 8-9 मंदिर हैं, कोई शंकर भक्त शिवालय ज़्यादा हैं, राम जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर, और लोग सब पूजा पाठ करते हैं। और अभी भादों में जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, सब कुटिया में दौड़ दौड़ के प्रसाद लेना, केला पंजीरी खूब खाओ मंगन रहो। उसी समय हमारे यहाँ, मैं बच्चा था जानता हूँ, लेकिन बाबा जी को हमने देखा है, बनवारी बाबा जी कहते थे उनको। उनका शरीर छूटा, बड़े वैराग्यवान संत थे, उनका शरीर छूटा तो उसके बाद कहा गया भाई आश्रम खाली ना रहे, कुटी खाली ना रहे, संतों को बुलाया जाए। तो अयोध्या से बाबा राम मंगल दास जी के यहाँ से, गोकुल भवन से, दो संत आए, एक लंबे चौड़े बाल ब्रह्मचारी, 6-7 फुट के रहे होंगे, बढ़िया गौकुरी चोटी, चेहरे पे चमक, और दूसरे एक थे त्यागी बाबा, नाटे नाटे लेकिन चमक उनके शरीर पर भी था, चेहरे पर चमक थी। दोनों आए तो दोनों को, दो कुटिया थी, एक गांव के बाहर बड़ी कुटी, गाँव वाली छोटी कुटी। तो उन दोनों महात्माओं से कहा गया भाई कि कहाँ रहोगे, तो त्यागी जी ने कहा कि मैं बड़ी कुटी पर रहूँगा, गांव के बाहर हनुमान जी का मंदिर है और गांव का राम जानकी का मंदिर है, अष्टधातु की मूर्तियाँ थी, तो यहाँ ये लंबे वाले बाबा रह गए। देखिए दोनों बाल ब्रह्मचारी जब तक आश्रम में रहे बढ़िया संत थे, आए तब भी लोग बड़ा उनका आदर करते, शाम को हम सब जाते घंटा बजाते, आरती होती, प्रसाद मिलता और बड़ा अच्छा लगता, गांव का बिल्कुल वातावरण बदल जाता जब घंट संघ बजता है तो। लेकिन धीरे धीरे कुसंग के प्रभाव में बाबा जी आ गए, चोटी वाले लंबे वाले, उनको भोजन की व्यवस्था हो गई तो भोजन गाँव से आने लगा, एक घर से धीरे धीरे वे उसके घर जाने लगे, और घर जाने लगे तो घर जाते क्या, फिर सारा दिन वो घर ही में रहते, लोग आते कुटी बाबा जी से मिलने तो लोग कहते बाबा पावर हाउस में है, तो यार पावर हाउस कौन सा, तो उसी महिला घर था पावर हाउस, क्योंकि बिजली लग रही थी तो वहाँ सामान रखा रहता था, तो उसको पावर हाउस लोग कहने लगे। अब बाबा कुसंग में फंस गए, भाई किसी नारी के घर में आप रहोगे, पति विदेश शहर में रहता है, अहमदाबाद में छोटे छोटे बच्चे हैं, भोजन तक सीमित था, भोजन बच्चे दे जाते थे करते,
मैं तो दसियों साल एकांत में रहा, भोजन लोग दे जाते थे, कभी हमको कोई लक्षण नहीं लगाया गया। सब कहते थे कि महाराज जी बड़े संयमी हैं और कि आज तक खड़िंजा पार नहीं किए अपनी कुटिया से, भोजन मिले ना मिले। और वो उनके घर जाने लगे, बस गांव बवाल हो गया, बाबा जी को हटाया गया, पंचायतें हुई, बड़ा मतलब अब उनके दुर्भाग्य कहूँ, लेकिन बाबा भी कट्टर था, मुकदमा लड़ गया, थाने चला गया, पैसा भर दिया और फिर रह गया कुटी पर। और त्यागी जी देखिए साधक की बात है, उनके अंदर मोह था, लोभ था, वो मुकदमा लड़े, सब कुछ किए। और त्यागी जी से पूछा गया कि स्वामी जी आप क्या करेंगे, स्वामी जी ने कहा कि मैंने घर त्याग किया है, साधना के लिए किया है, दुनिया में एक ही कुटिया नहीं है, बहुत कुटिया हैं, हमें ना ये कुटिया चाहिए ना वो कुटिया चाहिए, हम जाना चाहते हैं। लोगों ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, उनको जो आवश्यकता लगी रुपया पैसा वो दे दिया, त्यागी जी छोड़कर चले गए। आज गुजरात में उनका एक आश्रम है और बढ़िया सेवा हो रही, भजन कर रहे हैं। लेकिन वही बाबा जो दूसरे हैं आज, लेकिन न उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है ना कुछ, साल में यज्ञ करते हैं तो उसमें बाहर के लोग जुड़ जाते हैं। और वैसे भी जो स्वार्थी चेला होते हैं वो चाहे गुरु कैसा भी हो उससे चिपटे रहते हैं, जिनको वहाँ से लाभ है कुटिया से, खेत लिए पड़े हैं अधिया को, बांस काट ले जाते हैं, और भी जो लाभ मिल जाता है, चंदा इकट्ठा किए, कुछ अपने धन लिए, सीधा इकट्ठा किए, 10 बोरा में 2 बोरा बेच दिए, 8 बोरा आश्रम को पहुँचाए, वो लोग जी महाराज जी महाराज किए हैं, लेकिन वो बात नहीं रह गई। तो ना एकांत का महत्व है ना समाज का महत्व है, और महत्व दोनों का भी है कि हमारे मन पर, हमारे विचार पर ये डिपेंड करता है कि समाज में रह के हम ऐसा चलने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं।